मेरे हरियाणा वासी मित्रों, भाइयों, बहनों, जैसा हम जानते हैं कि कोविड महामारी के कारण से बहुत से इसके दुष्परिणाम हुए हैं। इनमें ये भी ध्यान में आया है कि कुछ परिवारों में बच्चों के या तो दोनों माता-पिता, या अगर उनमें से एक भी माता पिता के नाते से उनकी देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति, या जिन्होंने उनको पालने पोसने के लिए गोद लिया हुआ था, ऐसे माता पिता, उनकी डेथ के कारण से वो बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब इन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए हम एक योजना शुरू कर रहे हैं। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में सबसे पहला हमारा दायित्व है कि इन बच्चों की देखभाल चाहे परिवार करे अथवा उनका जो देखभाल का काम है वो बाल देखभाल संस्थानों में हो। यदि परिवार करते हैं तो भी, यदि बाल सेवा संस्थान करते हैं तो भी आर्थिक सहायता देना ये हमारा अपना दायित्व है। तो इसके लिए हमने तय किया है कि जो बच्चे परिवारों में रहेंगे ऐसे परिवारों में प्रति बच्चा 2500 रुपये प्रति महीने की राशि 18 वर्ष की आयु तक इन ऑर्फन बच्चों को, जहाँ ये पल रहे हैं, उनको दी जाएगी। और इसके अतिरिक्त जब ये बच्चा पढ़ाई शुरू करेगा और जब तक 18 साल की आयु तक ये पढ़ाई करता रहेगा, अर्थात विद्यार्थी रहेगा, तो इनको 12,000 रुपया प्रति वर्ष अन्य खर्चों के लिए ये दिया जाएगा। जो बच्चे बाल देखभाल संस्थान में रहेंगे उनका पूरा खर्च बाल सेवा संस्थान, जो बाल देखभाल संस्थान हैं, जो कि अभी हरियाणा में 59 हैं, 59, वहाँ सब खर्च होगा। और साथ ही इनके नाम से एक आवर्ती जमा खाता खुलवाया जाएगा। 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 1500 रुपये उसमें जमा करवाए जाएंगे। और जब भी ये बालक नौजवान होकर 21 वर्ष का होगा, छात्र अथवा छात्रा, तो 21 वर्ष की आयु के बाद परिपक्वता राशि ये इनको दे दी जाएगी। इसी प्रकार कई केसेस ऐसे हैं जहाँ हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ जो किशोर अवस्था में अनाथ हुई हैं, ऐसी बच्चियों को जो हरियाणा में 36 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उनमें पढ़ाई होगी, चाहे वो छठी से आठवीं हैं, छठी से दसवीं हैं अथवा 12वीं तक। जो हमारे कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय हैं इनमें आवासीय शिक्षा मुफ्त में प्रदान की जाएगी। और इन बच्चियों को जब इनकी शादी होगी उसके लिए अभी से 51,000 रुपये उनके खाते में जमा करा दिया जाएगा, ताकि समेत ब्याज उनको ये राशि उनके विवाह के समय ये उपलब्ध होगी। जो ये बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं 8वीं से 12वीं, या कोई वोकेशनल स्टडीज़ अर्थात व्यावसायिक पाठ्यक्रम में पढ़ाई करता है, ऐसे बच्चों को शिक्षा में सहायता के लिए एक टैबलेट ये भी प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत ये जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं 18 वर्ष तक की आयु तक, इनको पढ़ाई में कोई असुविधा ना हो, या जो परिवार इनको पालते हैं उनको भी ये सहायता मिल जाए। कुछ बच्चों के खाते बैंकों में खोलकर उनको एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाने के लिए कुछ सहायता हो जाए, तो इस योजना को हम लागू कर रहे हैं। ये बच्चे चाहे वो कोविड की पहली लहर हो 2020 की अथवा 2021 की दूसरी लहर हो, सब बच्चों को ये सहायता दी जाएगी।